जब भी आप कोई प्रश्न पूछिए तो पूरा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, नहीं तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। सिर्फ अणु आत्मा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव हो रहा है यहाँ पे, कैसे, एक है परमात्मा और दूसरा है अणु आत्मा, तो भगवान परमात्मा कौन है, भगवान, अणु आत्मा कौन है, हम। हम अच्छा तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो जिसको ठीक से ज्ञान नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वो अणु आत्मा और परमात्मा दोनों को एक समझ बैठते हैं, अर्थात हम लोग भी और भगवान भी दोनों एक हैं, ऐसा समझ पाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये माता जी, समझाना, इसके अगली वाली भी लाइन थोड़ी सी समझा देंगे, ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है। जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई इस किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो सिंपल बात यह है कि आत्मा और परमात्मा ये जो दो हैं, परमात्मा यानी भगवान, आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल्स या भिन्नांश, हम लोग भिन्नांश कहलाते हैं, भगवान के अंश हैं पर हम लोग भिन्नांश हैं, हम लोग इटर्नली भगवान से अलग रह रहे हैं, यानी भगवान से निकले हैं पर कोई डेट नहीं है, कौन से डेट पे हम भगवान से निकले हैं, किस दिन हमारा जन्म हुआ है, इस आत्मा का जन्म कौन से तिथि को हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है, इटर्नली हम अलग हैं भगवान से, ऐसा ही बताया जाता है। तो हम इतने छोटे से आत्मा हैं, भगवान से अलग हुए हैं, भगवान परमात्मा है, भगवान सब सारी सृष्टि के मालिक हैं, और हमारी कैपेसिटी क्या है, दोनों में क्या तुलना है, क्या सेम है, क्या अलग है, क्या गुण है, क्या दोष है, ये जो पूरी जानकारी है इसके बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद, कि इसको ठीक से समझना, ढंग से समझना, ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है जो इन चीजों को अच्छे से अच्छा समझ पाता है। यस, और यदि कोई समझ गया तो उसका जीवन सफल। समझे यही बात। यही बता रहे। कोई प्रश्न है आप लोगों का, बाकी जो भक्त हैं? सॉरी माता जी, वो थोड़ा अणु आत्मा के बारे में थोड़ा सा सुनने में मुझे ये हुआ, थोड़ा सा फिर से बताएंगे क्या माता जी? अणु वो मेड आ गई थी अचानक से, सॉरी अच्छा, माता जी। अणु आत्मा मतलब हम लोग, एक भगवान है, ओके भगवान परमात्मा और जितने भी जीव हैं वो अणु आत्मा, मैं एक अणु आत्मा, आप एक अणु आत्मा, सारे जीव, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबकी जो आत्मा है वो अणु आत्मा कहलाती है। और भगवान विभू बहुत बड़े हैं, उनको विभू कहा जाता है, हमें अणु कहा जाता है। यहाँ पर विभू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ परमात्मा तथा अणु आत्मा का प्रयोग किया गया है, बस यही है, कुछ विशेष चीज नहीं बताई गई है। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है माता जी, यस यस माता, थैंक यू माता जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप लोगों को आत्मा के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो चुका है, अभी जो बचा हुआ है 2-4 श्लोक वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग अब कथा, आप लोगों ने कथा की तैयारी की है, जरा जल्दी से बोलिए, टाइम बहुत कम है।